नमस्कार दर्शक मित्रों, राजस्थानी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। और आज हम बनाएंगे मकई के थेपले। जिस तरह से आप डोसा बनाते हैं या बेसन के चीले बनाते हैं, उसी तरह से हम मकई के थेपले बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिएगा। मकई के थेपले बनाने के लिए हमें चाहिएगा एक कटोरी मकई का आटा, और उसी कटोरी से नाप के हमें डेढ़ कटोरी के करीब पानी चाहिएगा। साथ ही एक मीडियम साइज प्याज, आधा कटोरी जितना हरा धनिया, 10 से 12 लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च, एक छोटा अदरक का टुकड़ा। और मसालों में हमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हींग, चुटकी भर हींग, और स्वाद अनुसार नमक। तो अभी हमारे सारे मसाले बिल्कुल रेडी हैं, और अब हम मकई के थेपले बनाने के लिए घोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आटा लिया था मकई का एक कटोरी, वो हम इस बड़े से बाउल में डालेंगे। इसके बाद ये जो हमने प्याज काटी थी, ये धनिया, सारी चीजें इसमें हम मिक्स करेंगे। ये हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची और नमक, इसको दरदरा पीसा था हमने। अगर आप मिक्सर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम कूट के बनाते हैं, इसका स्वाद कुछ अलग ही आता है। अब मसालों में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, ये देसी वाला हल्दी पाउडर है जो हमने घर पे कूट के बनाया है। आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और अजवाइन आपको जैसा अच्छा लगता है, वैसे मैं तो आधी चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है। थोड़ा सा हींग और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा नमक हमने उसमें हरी चटनी में भी डाला था, तो अभी हम आधा चम्मच जितना नमक डालेंगे। और हमने एक कटोरी हमने जैसे मकई का आटा लिया था, तो डेढ़ कटोरी जितना हमें पानी चाहिएगा, लेकिन हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और उसको कंटिन्यूस हिलाते जाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि नहीं तो इसमें कांठे हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। मक्की के थेपले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होते हैं। जैसे गेहूं के थेपले बनाते हैं, उसमें काफी ग्लूटन होता है जो हमारे पेट के लिए भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन मक्की के आटे में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, और ये ग्लूटन फ्री होता है, तो हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत ही पौष्टिक है। तो ये हमने डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और उसको हिलाते जाइए, मिक्स करते जाइए। हमें इसका जो घोल है वो जैसा हम डोसा का बनाते हैं या फिर चीले जो हम बनाते हैं, उस तरह का हमें घोल इसका बनाना है। ये देखिए, अभी तो ये फिर भी काफी टाइट है। अभी एक कटोरी हमने पानी लिया था, अभी आधी कटोरी जितना पानी और लगेगा इसमें, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाए। ये हमारा घोल अभी लगभग रेडी हो गया है। आप इसको 5 से 10 मिनट ऐसे भिगा के रख भी सकते हैं, तो वो और भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। अभी हमारा मकई के थेपले बनाने का घोल एकदम रेडी है, और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी घोल की। अभी गैस स्टोव ऑन करेंगे और
मीडियम आंच में इसको हमें बनाना है। नॉनस्टिक तवा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है। जैसे थोड़ा गर्म होता है तवा हल्का सा, इसके छोटे छोटे थेपले हम बनाएंगे। ये मैंने तीन थेपले यहाँ पे बनाए हैं छोटे छोटे। इसको पकने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा और थोड़ा धीरे धीरे इसको देखते रहना है और इसको पलटते रहना है। थोड़ा सा ऑयल, और ये अभी कम से कम 2 से 3 मिनट इसे हो गया है। अब इसको हम पलटी कर लेंगे। रेडी हो गया, कम से कम 4 से 5 मिनट इसे बनाने में लगते हैं। तो आप एक, अगर आपको जल्दी है तो आप 2 तवे भी रख सकते हैं स्टोव पे साइड में, और ऐसे छोटे छोटे 3-3 थेपले एक साथ बना सकते हो। तो ये हमारा थेपला रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।